आप लोगों ने सुना ही होगा कि बांज की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, हमारा उत्तराखंड किसी लंदन से कम नहीं। बस कुछ ऐसा ही समझ लो। अभी टाइम हो रहा सुबह के 10, और मैं आ रहा हूँ सड़क पे अपने गांव की, जो फिलहाल तो 1-1.5 साल हुआ इसको बने हुए। और पीछे मौसम देख सकते हैं आप, बादल ही हैं ऊपर लगे हुए, कोहरा छा रखा है और बारिश होने का मौसम है। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस ब्लॉगिंग चैनल में। मैं प्रमोद सिंह बर्तवाल देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत सी हसीन सी घाटी के बीच से, और आप अभी देख सकते हैं मेरे पीछे सड़क है हमारे गांव की। और आज के इस वीडियो में मैं अपने गांव की सड़क बताऊंगा कि कैसे हमारे गांव की सड़क है, और अब इसमें तार कोल पड़ जाएगा तो कितनी चौड़ी और कितनी अच्छी रोड बनेगी। जितने हमारे यहाँ के आसपास के गांव हैं, ये सामने गांव है, तो सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे गांव की रोड सबसे बढ़िया है, क्योंकि हमारे यहाँ की रोड में ऊपर भी खेत है, नीचे भी खेत है, और खेतों के बीचे बीच से ये रोड जा रखी है। और ये रोड शायद 2 लाइन बनेगी, 2 लाइन हाईवे बनेगा हमारा गांव का। और यहाँ और इस रोड से नज़ारे भी बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, और देख सकते हैं आप पीछे ये खेत है और ये ऊपर से ये नीचे भी खेत है, मतलब खेतों के बीचे बीच से ये रोड जा रखी है और बहुत ऊपर तक है। और कुछ मैं आपको शाम के टाइम पे बताऊंगा व्यू की कैसा दिखता है शाम के टाइम पे। और अभी फ़िलहाल बारिश आने वाली है, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6, और मैं आ रखा था दुकान पे सब्ज़ी लेने के लिए। हमारे गांव के बगल में दूसरा गांव है मैल्ड, उस और वहाँ और ये पीछे वो मैल्ड गांव है, और यहाँ हर चीज़ की दुकान मिल जाती है। और हमारे गांव में अभी तक एक ही दुकान है बस। और मेरे पीछे हमारे यहाँ की नदी है जो यहाँ ऊपर से आती है, और ये वो गाँव है जहाँ मैं राशन के लिए गया था। आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पीछे गांव है मैल्ड गांव, और देख सकते हैं आप पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। और वो ये यहाँ पे आ रहे मंदिर भाई साहब, आ जा नीचे, आ जा वो दो गए, आ जा आ जा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।